समोसा कैलोरीज का एटम बॉम्ब है और हार्ट अटैक की वजह बनता। पूरा पाकिस्तान आजकल इस बहस में पड़ा है और डॉक्टर अफान कैसर ने इस कैंपेन का आगाज कर दिया कि पाकिस्तान की आवाम को आगाही दे के छोड़ना है। बात करेंगे ऐसे ऑयल्स की जो सेफ हैं डीप फ्राइंग के लिए। मुफीद या अच्छा होने पे मैं जोर नहीं दूंगा कि ऑयल चाहे किसी भी तरह का हो एक्स्ट्रा कैलोरीज की वजह बनता है, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को डिस्टर्ब करता है। देखिए, आपको आदि होने में और ओकेजनल कंजम्पशन में, मतलब कभी कभार खाने में, फर्क को जानना, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट वाले हाइजेनिक फूड की तरफ जाना, ना कि ऐसी चीजें अपनी बॉडी में डालनी है जिनकी तैयारी में आपका कोई कंट्रोल ना हो। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की बात करें तो सब लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि सबसे सेफ और कंट्रोल जगह आपके अपने घर का किचन है। मैं समझता हूँ आप सब लोग समझदार हैं, बस थोड़ी एहतियात की जरूरत है। आपको बचना है अनसैचुरेटेड ऑयल से। ये ऐसे ऑयल्स हैं जो हीट करने पे अनस्टेबल हो जाते हैं, बड़ी जल्दी ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज्ड मतलब ये ऑयल हीट करने पे इनमें ऐसे केमिकल्स पैदा हो जाते हैं जो आपके सेल्स में मौजूद प्रोटीन और डीएनए को डैमेज्ड करते हैं। ALOEP, एडवांस्ड लिपिड ऑक्सीडेशन एंड प्रोडक्ट्स, ये ऐसे हार्मफुल केमिकल्स हैं जो आपके सेल्स तबाह करते हैं और कैंसर समेत कई बीमारियों की वजह बनते हैं। आपकी बॉडी में ऑटोफेजी प्रोसेस को स्लो करते हैं, जिसमें आपकी बॉडी डैमेज्ड सेल्स और प्रोटीन्स को रिसाइकल नहीं कर पाती, स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया, और ये बहुत खतरनाक है आपकी बॉडी के लिए। इनमें वो सब ऑयल्स शामिल हैं जो ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, कनोला ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर सीड ऑयल या सूरजमुखी का तेल, पीनट ऑयल, कॉटन सीड ऑयल या बनोले का तेल। अब बात करेंगे इन ऑयल्स की जिनका इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए अच्छा है। कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, गाय की चर्बी का तेल, टैलो, खास तौर पे ऐसी गाय का फैट जो कुदरती माहौल में पली हो, ग्रास फेडो ना कि ग्रेन्स फेडो, के एक जमाने तक इसे इस्तेमाल किया जाता रहा, फिर रंग बिरंगे तेल मार्केट में आ गए और इसका इस्तेमाल खत्म हो गया। ये विटामिन B3 नाइसिन से भरपूर होता है और इसे आप डीप फ्राइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्राइंग के लिए, कि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फैट है जो मक्खन को छान के बनाया जाता है। इस प्रोसेस में सारी इम्प्योरिटीज को अलग कर दिया जाता है और एंड प्रोडक्ट में प्योर फॉर्म ऑफ घी आपके पास आता है। चूंकि महंगा है तो लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन ये फाइनेंशियल प्लानिंग तो आपको करनी है कि आपकी सेहत से ज्यादा कीमती तो कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के इस्तेमाल पर डिफरेंट ओपिनियंस पाई जाती है। इसमें भी अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। ऑलिव ऑयल को आप कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप इसे डीप फ्राइंग के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि इसका टेम्परेचर 200 डिग्री से नीचे रखें, कि इस टेम्परेचर के ऊपर जाने पे ये अनस्टेबल हो जाता है। चैनल पे आने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।